हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रा सीजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक छोटे से राइड पे जा रहे हैं जो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास रहेगा। चलो भाई, कम से कम आगे तो चलो, बीच रास्ते पे ही। मेरे साथ अभी जयदीप मुखर्जी है, मेरे बहुत ही एक अच्छा फ्रेंड जो मेरे राइड पे मेरे साथ अभी जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हुआ है, टाइम है अप्रोक्सली 12:40 इन द आफ्टरनून। और बहुत ही वेदर बहुत ही ह्यूमिड और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर जाना तो पड़ेगा, अर्जेंट कुछ काम निकल के आया है। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अभी एक रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है और कि ये रेलवे क्रॉसिंग अभी खाली रहेगा। चलिए, क्रॉस कर चुका हूँ और अगर यहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग बंद रह जाता तो बहुत ही दिक्कत में पड़ जाता इस धूप में और गर्मी में। थैंक गॉड। रास्ता जो आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली आसनसोल टू पुरुलिया और पुरुलिया होके टाटा इधर जमशेदपुर, इसका कनेक्टिविटी है। और ये रेलवे क्रॉसिंग लगभग एक घंटे में एक से दो एक बार तो बंद होता ही है मिनिमम, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। बेसिकली यहाँ पर सुना हूँ बहुत दिन पहले से कि एक फ्लाईओवर बनने वाला है, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेट्स होप कि हम लोग को यहाँ पर फ्लाईओवर कुछ सालों में। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक में बात करने वाले हैं। टॉपिक तो बहुत ही छोटा है, वर्ड तो बहुत ही छोटा है, जो है सेफ्टी। सेफ्टी क्या चीज़ है? सेफ्टी क्या जिन लोगों के पास हेवी बाइक्स है, स्पोर्ट्स बाइक है, खाली उन लोगों के लिए सेफ्टी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग जिस भी बाइक में राइड कर रहे, किसी भी बाइक में हो सकता है, चाहे वो आपका 100 सीसी का हो चाहे 1000 सीसी का बाइक हो, सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग को लेके ही चलना चाहिए। और ये बाइक राइडिंग में सेफ्टी गियर क्या क्या होता है? एक हेलमेट हो गया जो लगभग अभी के दिन में सभी यूज करते हैं, आई होप सो सभी करते हैं। और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए कि जितना भी छोटा राइड हो आप एटलीस्ट आपका हेलमेट तो यूज कर ही रहे हैं। उसके साथ नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है शूज। शूज हम लोगों को ईच एंड एवरी टाइम वी टेक आवर बाइक वी नीड टू वेयर शूज। हम लोगों को जूता पहनना ही चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है हम लोगों का ग्लव्स। ग्लव्स तो बहुत ही छोटा चीज़ है, ये आपको अभी गर्मी के टाइम पे सनबर्न से भी बचाएगा और इनकेस आपका कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है उससे भी आपका बहुत सेफ्टी आपको मिलेगा। उसके बाद क्या आता है आपका राइडिंग जैकेट एंड नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड, जो आपका कॉमन नहीं है। मगर क्या है, जब हम लोग एक बाइक खरीदने जाते हैं उसका दाम लगभग आपको 60,000-70,000 मिनिमम, और अगर हम लोग ऊपर में जाते हैं तो वो तो 10 लाख का भी हो सकता है। पर क्या है, हम लोग एक छोटा सा अमाउंट दे के एक सेफ्टी जैकेट और ये गार्ड्स अगर खरीदते हैं तो मैक्सिमम 5,000 आपका जैकेट का, मिनिमम 5,000 जैकेट का और 500 से 1,000 रुपया आपका हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ही बढ़ चुका है, एक छोटा सा 10 मिनट का भी ब्रेक लेना ही पड़ेगा। हे फ्रेंड्स, हम लोग लगभग 10 किलोमीटर्स आ चुके हैं और एक्चुअली क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। इट्स अबाउट 42 डिग्री। और हम लोग अगर कार लेके आते तो बहुत ही अच्छा होता, मगर ऐसा फीलिंग्स तो नहीं होता। बहुत दिन बाद घूमना भी अच्छा लगता है। बहुत दिन बाद हम लोग बाइक से निकले हैं। स्टे ट्यून्ड। एक छोटा सा ब्रेक लिया, वो जस्ट थोड़ा पानी वानी पिया,
टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है और विंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम लोग एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। एक मिनट एक मिनट। गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसे गाड़ी चला रहा था यार। उसको ओवरटेक करना था इतना ही जल्दी, या तो थोड़ा जल्दी निकल सकता था घर से। ऐसा कौन सा उसको जल्दी हो गया कि ऐसे करके उसको ओवरटेक करके। और आप जब भी सड़क पे जाओगे तो बड़ा गाड़ी आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आप बाइक पे हो जैसे भी हो, ये जो जगह है ये, यहाँ पर बहुत सारा एक्सीडेंट हो चुका है। और जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, कभी भी आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, यू शुड बी केयरफुल। आपका खुद की गलती भी हो सकता है या फिर दूसरे के गलती में भी आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो एक चीज आप तो खुद कर सकते हैं, वो यू शुड बी केयरफुल, बाकी ऊपर का तो भगवान का भरोसा। अभी ये बंदे को देखिए, एक तो ट्रिपल राइड, ऊपर से जूता नहीं पहना है। लिए कुछ भी हो सकता है, वो लोग शॉर्ट ड्राइव पे भी जा सकता है या फिर ये दूसरा चीज है आपका, जब कुछ एनिमल्स या आपका कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली हो सकता है या फिर कुछ काव वगैरह आपका रोड क्रॉस कर रहा है, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। अगर वो लोग रोड पे भी है तो भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो टोटल बैंग है ना दोस्तों। अभी कमेंट मुझे करके बोलिए अगर कोई आप लोग ऐसा कभी भी फेस किया है। लोग जो देखे वो है द नेक्स्ट थिंग इज ओवरटेकिंग। ये सब कुछ सब चीजें आपका सेफ्टी में आ जा रहा है। और जो है कि ओवरटेकिंग में आपको यू शुड बी डैम केयरफुल बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। इन लोगों को छोड़िए, अभी उन लोग का रेसिंग का मूड आया है। तो मैं जो बोल रहा था कि आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं। पहले तीन चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, एक है फ्रंट पार्ट, आगे से कुछ गाड़ी आ रहा है कि नहीं, वो भी यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि यू आर डैम कॉन्फिडेंट एंड डैम श्योर दैट आगे से कुछ गाड़ी नहीं आ रहा है जब आप बड़े हेवी व्हीकल्स को आप ओवरटेक कर रहे हैं। और सेकेंडली क्या है, आपका राइट साइड मिरर में आपको देखना चाहिए कि पीछे से कुछ गाड़ी आपका आ रहा है जो आपको ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा है। ये चीज में आप अगर सामने की तरफ बहुत सारा ध्यान दे देंगे और लुकिंग ग्लास में आप देखना भूल जाएंगे या फिर आप उसको बाईपास कर देंगे, तो जब आप ओवरटेक करने जा रहे हो उस बड़ा हेवी व्हीकल को, तो पीछे वाला जो गाड़ी है वो आपको उस टाइम पे ओवरटेक करने के लिए, हो सकता है कि उसी टाइम पे वो भी आपको ओवरटेक करने जा रहे हैं। और अगर आप उसको लुकिंग ग्लास में देख के या फिर उसको अवॉइड करके या फिर आप बाय मिस्टेक अगर उसको बाईपास करके आप
आप भी ओवरटेक करने के चले गए तो आप डायरेक्टली उसके सामने आ जाएंगे, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए सबसे मेजर चीज़ है कि फर्स्ट आप सामने देखिए, सेकंड है आपका लुकिंग ग्लास में ज़रूर देखिए, और थर्ड चीज़ है आप इंडिकेशन तो ज़रूर दीजिए। विदाउट इंडिकेशन आप राइट साइड पे जाइए ही मत। अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपका पीछे में गाड़ी नहीं है तो फिर ठीक है, यू कैन गो। तो उसी स्पॉट पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिचुएशन। आपको सिचुएशन वाइज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मगर उसमें और एक चीज़ है जो बहुत दिक्कत कर जाता है, जो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट लगभग सभी को पता है ब्लाइंड स्पॉट क्या है, और उसी ब्लाइंड स्पॉट में अगर आपका पीछे में कुछ गाड़ी रहता है तो आपको तो मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप जब भी ओवरटेक कर रहे हैं तो विथ प्रॉपर इंडिकेशन आप ओवरटेक कीजिए एंड बी सेफ। हम लोग वापस आते हैं, हम लोगों का जो पुराना टॉपिक था वो था सेफ्टी गियर्स। तो लगभग सभी लोग हेलमेट तो यूज करते हैं, पर क्या जूता हर किसी के पास नहीं होता है? नहीं, जूता तो बहुत ही कॉमन चीज है, मगर क्या है जो हम लोगों का दिक्कत है वो है हम लोगों का हैबिट नहीं है, हम लोगों को उसका आदत नहीं है अभी तक। हम लोग पुलिस के डर से तो हेलमेट कम से कम गाड़ी में भी टांग लेते हैं, पर हम लोग जूता नहीं पहनते, क्योंकि ना तो हम लोग को उसके लिए कभी फाइन होता है ना तो कुछ और। पर अगर हम लोग मेजर एक्सीडेंट के बारे में अगर देखेंगे तो बहुत जन का, मैं खुद एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। रांची अपेलो हॉस्पिटल में गया था मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट के लिए। उस टाइम पे एक बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट पेशेंट आया था, तो उसका जो मैं पहले उसका पैर देखा तो उसी टाइम से मुझे ये चीज़ मेरा दिमाग में बैठ गया कि आप जैसे भी हो, आपका अगर कुछ भी एक छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है, तो अगर आप बाइक राइड कर रहे हो उसके ऊपर अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो आपका पैर बहुत जल्दी और बुरी तरह से इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली आपका फुट। फुट का उस बंदे का क्या हुआ था, जो फिंगर है वो फुट का जो सामने का पार्ट है वो एकदम टोटल रिवर्स हो गया है, टोटल 180 डिग्री रिवर्स हो चुका है एक पैर उसका। वो मतलब मैं उसको देख के बहुत मतलब उसको देख के मेरा दिमाग हिल गया कि क्या ऐसे भी कुछ हो सकता है, इतना भी बुरी तरह से किसी का पैर इफेक्ट हो सकता है। वो बंदा कुछ पल्सर बाइक, नया बाइक था उसका, पल्सर चला रहा था, और मतलब 1-1.5 घंटा पहले उसका हुआ था एक्सीडेंट। 1-1.5 घंटे में बंदे का कुछ भी होश नहीं है, और रांची अपेलो उस टाइम पे उसका एडमिट भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको कुछ बाहर में रेफर करने के लिए बोल रहा था। सो ये सब चीजों से दूर रहिए जितना भी हो सके, आपके इनसे जितना भी हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को सेफ रखें। और ये लगभग हम लोग 70% रास्ता कवर कर चुका हूँ। गर्मी इतना लग रहा है कि क्या बोले अभी। और एक चीज आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ही कम आदमी आप लोगों को बाहर में दिखेगा, हम लोग इतना देर से आ रहे हैं तो आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो दुकान ही शायद खुला होगा, इससे ज्यादा नहीं। पूरा का पूरा
रास्ता लगभग खाली हो चुका है। और नहीं भी क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप हम लोग गाड़ी में है, हवा लग रहा है इसलिए उतना भी महसूस नहीं हो रहा है, मगर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और देखिए पूरा का पूरा जगह लगभग खाली है, एक दो आदमी के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी आपको बाहर दिख रहा है वो शायद कुछ बस वगैरह के लिए खड़ा है, वेट कर रहा है, या तो फिर कुछ बहुत अर्जेंट काम है इसीलिए शायद बाहर होगा, जैसे कि हम लोग हैं अभी। जो भी है, अगर इतना गर्मी में आपको बाहर में आदमी दिखना बहुत मुश्किल है। और फ्रेंड्स, आगे मेरे हिसाब से कुछ एक नया होटल या फिर ऐसा कुछ पोथेर साथी बोल के कुछ खुला है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, बट यहाँ का कोई अगर फ्रेंड इसके बारे में जानता है तो काइंडली कमेंट बिलो कि ये है क्या और ये सचमुच ओपन है या फिर अभी तक इसका कुछ काम चल रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं सुना हूँ इसके बारे में कि आगे में लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा, मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए जितना भी हो सके उसको कवर करने के लिए, कि ये ब्रिज के आगे ही बना है लेफ्ट साइड पे, तो वो अभी तक शुरू हुआ है कि नहीं। शुरू हुआ है तो उसका बिल्डिंग यहाँ पर कितने में रूम मिलता है, या फिर आप वहाँ पर डॉर्मिटोरी में रह सकते हैं या फिर आप फ्रेश होके भी निकल सकते हैं, क्या है ना है, अगर किसी को कुछ भी मालूम है तो काइंडली कमेंट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन, ताकि हम सबको पता चले और कोई भी यहाँ पर आ रहा है जा रहा है तो वहाँ पर उसको बहुत हेल्प हो। और ये है मेरा फ्रेंड मिस्टर मुखर्जी, जो मुझे बहुत हेल्प हेल्प कर रहा है ये वीडियो शूट करने में, और ये कॉन्स्टेंटली ये वीडियो शूट करते जा रहा है मेरे लिए। और मिस्टर मुखर्जी जेडी, अ वेरी बिग थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, थैंक्स फॉर योर हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन। और एक चीज़ मुझे अभी आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो है मेरा एक्शन कैम आ चुका है। मेरा एक्शन कैम का अनबॉक्सिंग अभी करना है, और उसके लिए कौन सा एक्शन कैम है, क्या है, कहाँ से मिला है, कितना कॉस्ट है, उसका सब डिटेल्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ शायद नेक्स्ट वीडियो में। और उसका आगे उसका इंस्टॉलेशन भी हेलमेट में, देखते हैं। उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कब मेरा वो सेकंड वीडियो निकलेगा और मेरा एक्शन कैम हम लोग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। सभी हम लोग ये फ्लेवर बोल के ऐसा कुछ रेस्टोरेंट के सामने से निकला हूँ, तो एक्चुअली मैं उसका फुटेज में शायद मेरा कवर नहीं हो पाया है, पर जिन लोगों को मालूम है आसपास में जो जो यहाँ पर है मेरा फ्रेंड्स, कमेंट करके बोलिए ये रेस्टोरेंट कैसा है, क्योंकि तो फिर हम लोगों को जो आना जाना करना पड़ता है कभी कभी यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पर रुक के खा सकते हैं। इसका फूड क्वालिटी कैसा है, काइंडली कमेंट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन, और इससे सबका अच्छा होगा कि दूर का कोई लाइन होटल में जाके खाने से अच्छा है कोई अच्छा सा लाइन रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए।
फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि आगे जाके थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छा होगा कि नहीं। फिर भी हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है और इस टाइम पे ब्रेक लेना मतलब किलिंग ऑफ टाइम। मुझे टाइम में पहुंचना है वहाँ पर एंड आई कैन नॉट बी लेट एट एनी कॉस्ट। पर धूप भी इतना है, अगर थोड़ा होल्ड करके थोड़ा पानी पी के या फिर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी के हम लोग निकलते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। पर फिलहाल हम लोग कुछ ब्रेक वगैरह नहीं ले रहे और कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग इधर थोड़ा सा के टाइम के लिए भी रुक गए तो इट विल बी मोर देन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। सो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू होल्ड ओवर हियर एंड टू कंटिन्यू आवर जर्नी। लगभग 10 से 12, मैक्सिमम 12 या उससे भी ज़्यादा होगा तो 15 किलोमीटर ही होगा। और चलिए फिर आगे जाके मिलते हैं पहुँच। इन द मीन टाइम आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तब तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। स्टे ट्यून्ड। लीजिए हम लोग पहुँच गए, सब्सक्राइब भी हो चुका है आप लोगों का। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।